audio jungle. सीसीएलबीएंड के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को करगिल स्थित ऑफिसर्स क्लब परिसर में त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता धनबाद से आए सेंट्रल जोन के डिप्टी डीजे बीएल मीणा ने किया। संचालन क्षेत्रीय सेफ्टी ऑफिसर्स एस के झा ने किया। इसमें डीजीएमएस के अलावा सीसीएल के अधिकारी और सेफ्टी बोर्ड के सदस्यगण शामिल हुए। बैठक में सीसीएल प्रबंधन ने खान सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए नए सुझाव का स्वागत किया। वहीं सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों ने सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े करते हुए संसाधनों को चुस्त दुरुस्त करने की मांग की, जबकि डीजीएमएस ने सुरक्षा के साथ उत्पादन पर बल दिया। बैठक में खुली खान के अलावा आवासीय कॉलोनी व बंद कोयला खानों की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। डिप्टी डीजे बीएल मीणा ने कहा कि सुरक्षा क्षेत्र में नई तकनीकी का उपयोग करते हुए डीजीएमएस द्वारा स्थापित किए गए उच्च मापदंडों पर इसी प्रकार से खरा उतरेगा। सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों के उठाए गए मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगा। सीसीएल जीएम आर के सिन्हा और बीएनके डीएमएमके राव ने कहा कि डीजीएमएस द्वारा बताए गए सुरक्षा निर्देशों का सीसीएल निरंतर पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मियों के सुनिश्चित करने एवं सतत उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम सभी के प्रयास से भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं हो, ऐसा टीम का प्रयास होगा। मौके पर डीडीएमएस प्रवीण एस, नीरज बारापात्रे, ए अग्रवाल व कोडरामा रीजन डीएमएस माइनिंग ए के मिश्रा, आईएसओ सीसीएल हेडक्वार्टर सीबी प्रसाद, पीओ केडी प्रसाद, पीओ दिनेश गुप्ता, पीओ सत्येंद्र कुमार, एसओपी राजीव कुमार, एसओ ईएनएम सुजय चट्टोपाध्याय, एरिया मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर आर के पासवान, एसओजी आर के प्रधान, सीएसआर अधिकारी निखिल अखोरी, एमटी विश्वास कुमार, सेफ्टी ऑफिसर्स बीके शुक्ला के अलावा सेफ्टी बोर्ड के सदस्य मधुसूदन भट्टाचार्य, सुशील कुमार, मनोज पासवान, राजकुमार ठाकुर, सुरेश शर्मा, अनिल सिंह, केएल यादव, बीकेबी आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधि सुशील अग्रवाल आदि शामिल थे।